नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत फिर से मैं आपका अपने चैनल आके गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल और बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने है ये हमारा टॉपिक पिस्टन पिन। आज मैं आपको पिस्टन पिन के बारे में बताऊंगा। तो पिस्टन पिन कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक। इसका मेन मुख्य काम होता है कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ना। पिस्टन पिन को दो नामों से और जाना जाता है। पिस्टन पिन को गजन पिन के भी नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम व्रिस्ट पिन भी कहा जाता है। और जो हमारा पिस्टन में बॉस बने होते हैं, जो आर पार छेद बने होते हैं, उसको बॉस बोला जाता है। और इसी बॉस में पिस्टन पिन जो है कनेक्टिंग रॉड को डाल जो है कि डाल करके उसको लॉक किया जाता है। तो गजन पिन का दूसरा नाम है, पहला गजन पिन, दूसरा व्रिस्ट पिन, ठीक है। और ये पिस्टन पिन जो है किसका बना होता है, पिस्टन पिन जो है स्टील एलॉय, ठीक। पिस्टन पिन स्टील एलॉय की बनी होती है और ये किस विधि से बनाई जाती है, फोर्ज। और इसका जो फेस होता है, ये जो पिन है हमारी, पिन कुछ इस टाइप की दिखती है। तो ये जो इसका सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका, ये केस हार्डनिंग केस हार्डनिंग किया जाता है इसके फेस को। केस हार्डनिंग इसलिए किया जाता है कि जो हमारे पिन का जो सरफेस है, जो सतह है, वो चिकना किया जा सके, चिकना रहे, ताकि जो जब हमारा कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बॉस में जब पिन को डाला जाए तो आसानी पूर्वक सुगमता से चली जाए। इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से फिनिश से बनाते हैं। और यह जो पिन होता है यह खोखली होती है, अंदर से खोखली होती है, एक पाइप की तरह होती है, ठीक है। तो मैं आपको भी इसका डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरह के गजन पिन होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि पिस्टन पिन को गजन पिन के नाम से भी जाना जाता है और रिस्ट पिन के भी नाम से जाना जाता है। और यह जो स्टील एलॉय के बना होता है, जो फोर्ज ब्रिज से बनाई जाती है, और ये कुछ देखने में खोखली बेलन की तरह होती है, जो अंदर जो है कि खोखला होता है, अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही हार्ड बनाई जाती है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये खोखली क्यों होती है, इसका भी रीजन है कि ये खोखली क्यों होती है। खोखली का कारण ये है कि अगर ये पूरा ठोस होगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है पिस्टन के ऊपर अत्यधिक लोड पड़ने लगेगा, इसलिए इसको खोखली बनाई जाती है, ठीक। समझ में आ गया। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिस्टन पिन जो है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये स्टील की बनी होती है और ये बीच से क्या होता है, पाइप नुमा होता है, जिसको आर पार आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आपका पिस्टन है,
पिस्टन में ये जो बॉस बना हुआ है, स्कर्ट में जो बॉस बना हुआ है, इसमें जो है ये एकदम फ्री जाता है फर्स्ट क्लास, ठीक है, ऐसे चला जाता है, इधर से इधर चला जाता है, इधर से इधर हो जाता है, आराम से चला जाता है, ठीक। और ये अपने फिटिंग के अनुसार, गजन पिन की फिटिंग के अनुसार ये तीन प्रकार की होती है। अब मैं, और ये जो मेरे हाथ में है ये गजन पिन, ये फुल फ्लोटिंग पिन है। उसके बाद इसमें जा करके यहाँ जो है इधर इसमें कनेक्टिंग राड का इंड स्मॉल सिरा जो है इसमें लगता है और इसमें ऐसे लग कर ये लॉक हो जाएगा। और ये पिस्टन में ही इसको लॉक करने के लिए, गजन पिन को लॉक करने के लिए पिस्टन के स्कर्ट में ही जो है बॉस में ही ये ग्रूव बना दिया गया है, जिससे स्नैप रिंग इधर से भी और स्नैप रिंग इधर से भी डाल करके ये पिन लॉक हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। और हमारा यहाँ पे जो कनेक्टिंग राड का स्मॉल एंड पोर्शन लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो गजन पिन फिटिंग के अनुसार तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी चलिए देखते हैं। पहला होता है फुल फ्लोटिंग टाइप गजन पिन। इस प्रकार के जो पिन होते हैं हमारे, कुछ एकदम सेम इस टाइप के होते हैं, ये फुल फ्लोटिंग पिन ही है, ठीक। तो इसको फिट करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन होता है उसमें जो गजन जो स्कर्ट होता है उसमें जो बॉस बने होते हैं, इस बॉस में ही जो है एक ग्रूव कटा होता है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी ये ग्रूव कटा होता है। उसमें जो पिन ऐसे डाल करके और कनेक्टिंग राड का स्मॉल एंड इधर नीचे से ऐसे डाल करके, इधर से नीचे से कनेक्टिंग राड का स्मॉल एंड पोर्शन हम डालेंगे और इधर डाल करके ऐसे इसको मैश करके हम डाल देंगे, पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद जब गजन पिन हमारी चली जाएगी, पता है कि जब ये चली जाती है इसमें सर क्लिप डाल दिया जाता है तो ये लॉक हो जाती है, ये बाहर नहीं निकलती, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? इस चित्र को देखिए, आपको देख करके अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी गजन पिन और कनेक्टिंग राड का जो स्मॉल इन पोर्शन है उस, वो दोनों गजन पिन और कनेक्टिंग राड का स्मॉल इन जो है कि इसमें फ्री घूमता है, दोनों ये भी फ्री घूमती है और जो कनेक्टिंग राड भी इसमें फ्री मूवमेंट करता है, ये समझ में आ गया। दूसरा हमारा है सेमी फ्लोटिंग टाइप गजन पिन। इस प्रकार के गजन पिन को फिट करने के लिए क्या होता है कि गजन पिन में ही जो है गजन पिन के सेंटर में बीच में जो है कि एक हल्का सा बहुत माइनर क्या कहते हैं उसमें ग्रूव काट दिया जाता है और इसी ग्रूव में जो हमारा कनेक्टिंग राड का जो स्मॉल एंड पोर्शन है वह इसमें जो है कि टाइट कर दिया जाता है। वो कैसे टाइट किया जाता है कि आप लोग मोटरसाइकिल यदि चलाते हैं तो उसमें देखते होंगे जो हमारा किक मारते हैं, जो किक मार के हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा किक वाला जो पोर्शन जो टाइट होता है शाफ्ट में, ठीक उसी प्रकार जो है कनेक्टिंग राड का स्मॉल एंड सिरा में एक कट लगा रहता है और उस कट में रहते हैं और थ्रेड को बोल्ट द्वारा इसमें ला करके यहाँ पे टाइट कर दिया जाता है, ठीक है, टाइट कर दिया जाता है और ये लॉक हो जाता है। और जब ये लॉक हो जाता है तो जो हमारे ये गजन पिन है ये इधर उधर बाहर की तरफ चाहे अंदर की तरफ ये नहीं निकल पाती है, क्योंकि पार्टिकुलर यहाँ लॉक हो गया। और जो हमारा पिस्टन बना होता है, पिस्टन में भी ये मान लीजिए ये गजन पिन का पूरा है, इसमें गजन पिन जाएगा तो जो हमारा पिस्टन की जो बनावट होती है ये गजन पिन का जो ये है इस तरह से यहाँ रहता है कुछ इस टाइप का होता है जिसमें हमारी गजन पिन जाती है। जब गजन पिन जाती है तो ये जो पोर्शन हमारा इतना जो बच रहा है यहाँ ये हमारा कनेक्टिंग राड का स्मॉल इंड सिरा लग जाता है तो क्या होता है कि ये इधर उधर नहीं भाग पाती, नहीं निकल पाती है, ये इसी में फिक्स हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमारा तीसरा है, और इसमें क्या होता है जो हमारी गजन पिन है वह जो है बॉस के अंदर फ्री मूवमेंट करती है, फ्री घूमती है, लेकिन हमारा जो कनेक्टिंग राड है वो जो है फिक्स रहता है, वो नहीं घूमता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार के गजन पिन में जो है कि
होल रहता है और इसी होल में ही थ्रेड बना दिया जाता है और इस थ्रेड को एक स्क्रू की सहायता से पिस्टन में के बॉस में फिक्स कर दिया जाता है, उसको टाइट कर दिया जाता है। और टाइट करने के बाद क्या होता है कि जो हमारी गजन पिन है वो जो है फिक्स हो जाती है, ये मूवमेंट नहीं करती है, यह नहीं घूमती है। लेकिन कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड है, स्मॉल एंड सिरा है, वह जो है उसमें गजन पिन में ऐसे ऐसे घूमते रहता है और लुब्रिकेशन उसमें होते रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज का जो क्लास था वो अब संपन्न होता है और आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो और आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा मनोबल गिरता है।